मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के आइडियल मार्केट में और आपको बता दें कि बाला साहेबांची शिवसेना के तरफ से महाराष्ट्र माथाड़ी वाहतूक व कामगार संगठन इस तरह के जो है बोर्ड आपको जगह जगह जो है अब लगाए जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो यहाँ के पदाधिकारी है अनवर कच्छी और गिरीश श्रोत्री, ये जो आज आइडियल मार्केट में यहाँ पर इस तरह का बोर्ड लगाकर इसका उद्घाटन किए और इनका कहना है कि जिस तरह से इस आइडियल मार्केट में आपको दिखाएंगे कि आइडियल मार्केट में फल फ्रूट और सब्जियों की जो गाड़ी लगती है इन पर आए दिन कार्रवाई होती है और अक्सर ये देखा जाता है कि इनकी गाड़ियां भी कार्रवाई के होने के बाद जो है जब्त करके उसे तोड़ दिया जाता है। ऐसे सभी समस्याओं को लेकर जो है अनवर कच्छी ने ये बताया कि अब जो है यहाँ के सभी जो धंधा लगाने वाले लोग हैं इनसे बातचीत करके कि इनकी यूनियन जो है वो बनाई जाएगी और मुंब्रा शहर में जिस तरह से प्लेग्राउंड और हॉकर जोन की जो तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर भी अनवर कच्छी ने कड़े शब्दों में आवाज़ उठाई है। उनका ये भी कहना है कि उनकी सरकार है और जितने भी ज़मीन जो रिजर्वेशन है वो जिसके लिए आरक्षित है उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आरक्षित ज़मीन उसी चीज़ के लिए जो है मुंब्रा शहर को दिया जाए। और इस ओपनिंग के बाद जो है बाला साहेबांची शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आप लोगों की तरफ से आज यहाँ कामगार संगठन की तरफ से जो बोर्ड लगाया गया ये उद्घाटन किया गया यहाँ पर, दरअसल इस तरह का बोर्ड शमीम खान के ऑफिस के बाजू में भी लगाया गया, तो ये जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगाने का क्या मकसद है और आप लोग इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं? अच्छा, आप समझते हो गए चुनावी तैयारी है आने वाली? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये अभी सब्जी मार्केट है, सही बात है, ये सुबह लाते हैं सब्जी बेचते और शाम को घर पे जाते हैं, गाड़ियाँ भिड़े अपने साथ में लेके जाते हैं। इनके ऊपर जो कार्रवाई करते महानगर पालिका, तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी था। इसके लिए अनवर भाई ने मुझे इनवाइट किया कि आप आ सकते हो क्या, बोला ज़रूर आएंगे, उनके लिए कार्रवाई हो ना तो सही में कार्रवाई करो, लेकिन दिल से करो, कानून से करो। जो होटल आ गया है, जो दुकान आ गया है, जो इतने बड़े बड़े रास्ते हुए हैं जितेंद्र आवार साहब के मेहरबानी से, तो उधर पार्किंग नहीं होना चाहिए, वो तो पार्किंग लॉट ही हो गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये गरीब सब्जी बेचने वाले उनके ऊपर मत करो, सब्जी तो हर घर पर जाती है। आज तरह का आप लोगों का मुंब्रा में काम रहेगा, क्योंकि अभी तो समझो शिंदे सरकार है और आप लोग भी एक्टिविटी मुंब्रा शहर में दिखा रहे हैं, तो आपका अहम मुद्दा क्या क्या है मुंब्रा? देखिए, हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते। मुंब्रा की भाई बहनें हमारे से खुद चल के आके जुड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ में, माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साहब के साथ में। इसके लिए हम अभी ज़्यादा मुंब्रा में इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद पब्लिक चाहती है कुछ बदला हो जाए। इस तरीके का सहयोग रहेगा या हॉकर्स लोगों के लिए? जरूर रहेगा। किस तरीके का रहेगा? क्या सुविधा हमने, मैं पहले यहाँ आया तो मैं अनवर भाई को पूछा यहाँ किस लिए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो बोले ऐसा ऐसा तुड़वाई होती है। मैं बोला रिबिन नहीं काटूंगा, मैं पहले एक अधिकारी से, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सीनियर अधिकारी उससे पहले बात किया, उसको समझाया और फिर मैंने रिबिन काटा। हॉकर्स का मुद्दा मुंब्रा में बहुत पुराना है, तो आप लोग हॉकर्स जोन की मांग क्यों नहीं करते, देखो हॉकर्स को एक जोन क्यों नहीं दे रहे? देखो, हम हॉकर्स जोन या कौन सा हाउस, सेटलर हाउस, स्लाटर हाउस, इसके बारे में हम आश्वासन नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे और आपके सामने आएंगे। कब होगा? हॉकर जोन का रिजर्वेशन है लेकिन वहाँ मिल नहीं, यहाँ के लोग नहीं मिल नहीं रहा है। इसके लिए आप पत्रकार हो, आप जरा अंदर झोंकिए, क्या चल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कौन इसके बीच में आ रहा है, फिर ये सवाल हमको पूछिए। और 2000 ये महानगर पालिका इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद में आप लोगों की सरकार भी है यहाँ महाराष्ट्र में, हाँ, तो फिर अगर यहाँ का रिजर्वेशन है अभी, तो आप लोग अभी हमारी सरकार आके 5 महीना हुआ है, जो 2.5 साल में हमारे साथ में सब सरकार में थे, तभी ये सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? आज 5 महीने में हमसे सवाल पूछ रहे हो? वो
छोटी सी आश्वासन ही दे रहे हैं, जैसा आप अभी बता रहे हैं ना, वो आप करके दिखा रहे हो, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे, पूछे सवाल उनसे ही पूछा गया, हमने आश्वासन आप आश्वासन नहीं दे रहे, लेकिन वो हमेशा से आश्वासन, मैं वही बोला कि हम आश्वासन नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे, वो भी बोल रहा हूँ इसको टाइम लगेगा, थोड़े साफ सफाई तो होनी चाहिए ना, साफ सफाई के बाद में ही हो जाएगा ये। उमरा में 5,000 से ज्यादा भी हॉकर्स हो गए कोरोना काल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट हॉकर्स माफिया का है, उसको लेकर क्या करोगे? देखो संगठन क्या करेगा, हॉकर्स माफिया के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जरूर कार्रवाई हो जाएगी, जो हफ्ता लेते उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन शहर के और भी मुद्दे ऐसे तमाम हैं, जैसे प्ले ग्राउंड है, हॉकर जोन है और गार्डन है, ऐसे तमाम स्लाटर हाउस, गर्ल हॉस्टल, तमाम मुद्दों को लेकर, लाइब्रेरी है, इसको लेकर आप लोग जो है किस तरह का काम करेंगे, और जो रिजर्वेशन ज़मीनें हैं क्या आप लोग उसको दिलवा पाएंगे? मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे नगर सेवक नहीं है तो हम लोग हमारे नगर सेवक चुन के दो फिर हम लोग करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाणा जिला के हैं और हम उनको बहुत जल्द निवेदन देंगे, और जो जो आपने बोले उनकी पूरी लिस्ट हमारी तैयार है। और मैं एक आपको आपके माध्यम से बोलूँगा कि जैसे श्री राम का जो 14 साल का वनवास खत्म हुआ था, तो करीब करीब अभी मुमरा का भी 14 साल के बाद में वनवास खत्म होएगा, और हम लोग नहीं ये बोलेंगे कि हमारे नगर से चुनने के बाद हम करेंगे, हम उसके पहला हम लोग करना चालू किए। और ये जो मार्केट के और स्टैंड के उद्घाटन कर रहे हैं, कोई हम लोग नहीं कर रहे, लोग आ रहे हमारे पास, और आने वाले और दिनों में आप देखेंगे और भी उद्घाटन करेंगे हम लोग, क्योंकि लोगों को हमसे उम्मीद है। हम लोग ना कोई हफ्ता लेते, अभी यही उद्घाटन होने के बाद में 4-5 लोगों के यहाँ पेट में दर्द चालू हो गया कि भाई अपनी रोजी रोटी तो बंद हो गई, तो यहाँ पे जो स्टैंड के ये बाजी मार्केट का जो अध्यक्ष रहेगा उनको हम लोग ने खुली वार्निंग दी है कि ना तुम पैसा लेंगे ना पैसा किसी को देंगे, अगर ये हमको मालूम पड़ा तो हम लोग बाकायदा कार्रवाई कराएंगे पुलिस से उनके। क्या लग रहा है बाला साहब की जो शिवसेना है, तो ये मार्केट का अध्यक्ष वगैरह और भी मेंबरशिप जो है सब बाला साहब शिवसेना के तरफ से बनाए जाएंगे? ये देखो पिछले 3 महीने से काम चालू है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि आज ही बोले और आज ही उद्घाटन किए, काफ़ी इन लोगों को टाइम दिया, इनकी लिस्ट ली गई, इनके पूरे मार्केट लोगों से पूछा, जब इन लोग राजी हो गए तब जाके हम लोग ने आज उद्घाटन का किया। और हालांकि एक हफ्ते से हम लोग का टाइमिंग साहब का नहीं मिल रहा था हमको, तो हम लोग ने लेट किया इनको, कि ऐसा नहीं कि एक ही रात में सुबह में उठे और उद्घाटन किए, लोग हमारे पास आ रहे और भी जुड़ रहे मार्केट वाले, और आने वाले टाइम में आप भी देखें और भी मार्केट का उद्घाटन करेंगे। और हॉकर जो जोन है, जो हैंगिंग बोलते ना हवा में होता है, हम लोग हवा में नहीं करेंगे, हम लोग ज़मीन पर मार्केट बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे, हवा का मार्केट हवा में चला गया वो। अनुर भाई आप भी मुमरा शहर में ही रहते हैं, तो मालूम है करीब 13-14 साल से ये सब घुमाया जा रहा है। मैं आपको यही बोल रहा ना, 14 साल का मुमरा का वनवास खत्म होएगा अभी, और मुमरा की आवाम से हम लोग बोलेंगे कि ये जो जातिवाद करते हैं ना इन लोग कि भाई शिवसेना के तरफ मत जाओ, ये हमारे कौम के रहबर है, ये रहबर रह के मुमरा को खा डाले दिमाग के जैसा, क्या नहीं है मुमरा के अंदर बोलो, नशा का कारोबार है, इनलीगल बिल्डिंग है, यानी हर वो नहीं होना चाहिए वो है, और जो होना चाहिए वो थाना में है। तो मुमरा के आवाम को सोचना चाहिए कि हमको अभी बदलाव करना है कि नहीं करना है। कलवा में तुम ये रेती बंदा सर्कल के बाद जो चले जाओ, वही विधानसभा है, वही नगर सेवक है, मगर वहाँ पे कलवा में शिवसेना के नगर सेवक है, वहाँ निधि ऐसा इन लोग बोलते हैं कि कलवा से महानगर पालिका से निधि नहीं मिलते, निधि करोड़ों में मिल रही है, और 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ 500 करोड़ आ रही, निधि कहाँ जा रही पता नहीं। एक एक रोड जो आपको मालूम होगा, MM मिली का रोड बन रहा है, आज 6 साल से बन रहा है, एक रोड को इतना टाइम लगता है, क्योंकि वो जितना लेट होएगा उतनी निधि बढ़ेंगी। हॉस्पिटल के साथ में भी वही हुआ, 12 साल बने, 3 माले कम हो गए और निधि 4 गुना बढ़ गई, जो 50 करोड़ की थी वो मेरे ख्याल से 225 करोड़ भी गई। तो ये एक टेक्निक है, काम लेट करो पैसे बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह हम वैसा नहीं करेंगे। हम लोग के नगर सेवक को आवे वो बात की बात है, मगर हम अभी उसके ऊपर वर्क चालू कर दिए, और हमको खासदार श्रीकांत शिंदे ने बोला है आपको कोई भी जरूरत है आधी रात को हमारे पास आओ। वर्क बोलने चालू कर दिया, किस तरह का वर्क चालू किया, क्या क्या चीज़ को आपने चुना है सबसे अहम सब्जेक्ट में? सबसे पहले तो प्ले ग्राउंड देखो ऑलरेडी है, स्टेडियम महानगर पालिका का है, महानगर पालिका को हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो हमको फ्री देना चाहिए, उसको प्राइवेट करने की क्या जरूरत थी, एक तो ये हो गया। उसके बाद में स्लाटर हाउस और गर्ल्स हॉस्टल, उस जगह पे आपने कब्रस्तान लगा दिए, तो ये कब्रस्तान की जगह कहाँ गई? तुम्हारे करीबी बिल्डरों को देके तुम लोगों ने उसको डेवलप कर दिया, गया स्लाटर हाउस भी गया
और गर्ल्स हॉस्टल गया, हज हाउस बनने वाला था वो कहाँ गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत लंबी फेरिट लिस्ट है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जो इतने टाइम से जुलूस चल रहा है तो उसके लिए कुछ लोग एक पार्टी के जुलूस जैसे ईद मिलाद उनका नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए डीजे के ऊपर बैन कर दिए, सब कर दिए। हमने साफ से बोल के लोगों के अंदर गलत हो जा रहा है कि आप लोगों ने देवी के टाइम जुलूस निकला, गणपति के टाइम पे निकला डीजे, फिर ये मुसलमानों के टाइम क्यों होएगा? हमने झाड़ा था तो वो एक दिन के अंदर आपको मालूम होएगा, वो जो ऑर्डर था वो कैंसिल करने लगा है हम लोग। और आपको और बताऊं, खासदार साहब का इलेक्शन था, ये बताना नहीं चाहिए मगर बोलते ना लोग शिवसेना मुसलमान के खिलाफ है, मस्जिद के खिलाफ है। मैं जीता जागता मुमरा का मिसाल देता हूँ, आप जाके चेक कर लो, ठाकुर पाड़ा नीचे जो मार्केट में रास्ता जाता है कदम हॉल के पीछे, एक मस्जिद का काम चालू था पिछले 15 साल से, उसका स्लैब नहीं डाला जा रहा था, और वहाँ के स्थानिक नगर सेवक बहुत से थे, यहाँ की पूरी सरकार लगी थी उसको रुकाने के लिए, मगर खासदार साहब ने और शिंदे साहब ने हमको ड्यूटी दी 15 दिन की, 15 दिन हम लोग वहाँ बैठे और उसका स्लैब मस्जिद का दलवा के लिए।